हब बलूचिस्तान में फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर माहिगीरों के मसाइल पर गौर किया गया और उनके हल के लिए दरख्वास्त दी गई। इजलास में बलूचिस्तान के साहली इलाकों के माहिगीरों की लोकल सतह पर मेंबरशिप का इजरा जल्द अज जल्द शुरू करने पर भी गौर किया गया। तमाम डायरेक्टर अपने एरिया में लोकल सर्टिफिकेट के मुताबिक माहिगीरों की मेंबरशिप करेंगे, जबकि डेप सी पॉलिसी फिशिंग के हवाले से वफाकी गवर्नमेंट बलूचिस्तान फिशर्स मैंस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने तहफुजात का इजहार किया। बोर्ड डायरेक्टरान ने चेयरमैन से दरख्वास्त की कि एक कमेटी तश्कील दें, बलूचिस्तान के माहिगीरों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, माहिगीरों को मजबूत मुनज़िम बनाएंगे। कबल अज वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब जाम कमाल खान की सेहतियाबी और कोस्टल हाईवे पर नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों शहीद होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों के लिए खसूसी दुआ की गई। इजलास में बलूचिस्तान फिशर्स मैंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के वाइस चेयरमैन अशरफ इकबाल बलोच, डायरेक्टर वाजा आसिफ गंगू, डायरेक्टर अब्दुल बासित, डायरेक्टर नहमान बलोच और दीगर ने शिरकत की।